साथियों नमस्कार, योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। पंच प्राण वायु मुद्रा की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी कड़ी में हम अगले कड़ी में आज चर्चा करते हैं अपान मुद्रा। ये पांच जो प्राण हैं, प्राण, अपान, प्यान, उदान और समान, ये पंच मुद्राओं में दूसरा नंबर का मुद्रा है अपान मुद्रा। साथियों आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अपान मुद्रा है क्या, इससे पहले अपान है क्या, और अपान वायु का इसका शरीर में स्थान कहां पर है, क्या कार्य है, और इसके असंतुलन से होने वाले रोग को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, साथ ही साथ इसमें बनने वाली मुद्राएं कौन सी हैं, और इस मुद्रा के द्वारा हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। तो आइए पूरे पूरे हम देखेंगे। आप पूरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि पूरा जब देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगी बात। आइए तो हम चर्चा करते हैं अपान वायु मुद्रा के बारे में। सबसे पहले अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के बारे में कहा गया है, अपनयति प्रकर्षेण मलम निसार्यति अपकर्षति च शक्तिम इति मुद्रा। जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है वह अपान है। तो साथियों एक बात तो समझ आ गई कि मल को जो बाहर निकालने का कार्य करता है वो अपान है। तो शरीर से मल का निष्कासन होता कहाँ पे है, ये आप सबको ज्ञात होनी चाहिए। शरीर से मल का निष्कासन महत्वपूर्ण जो एरिया है हमारे नाभि से नीचे का स्थान है। जो नाभि के नीचे का स्थान पर्टिकुलर कटी प्रदेश है, वहां पे मल का निष्कासन अधिक मात्रा में होता है। किंतु हमें अपान वायु केवल यहीं तक सीमित नहीं मानना चाहिए। जैसे कि आप अपान वायु के स्थान के बारे में देख रहे हैं, दोनों अंडकोश, मूत्राशय, मूत्रेंद्रिय और नाभि, उरु, दोनों उरु मतलब जंघा, मल द्वार, बड़ी आंत अपान वायु की स्थान माना गया है। वैसे तो नाभि से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत अपान वायु का स्थान अभिहित किया गया है। किंतु साथियों मैं आप लोग को रहस्य की बात बता दूं कि अपान वायु हमारे शरीर के अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। जहां से मल का निष्कासन होता है तो निष्कासन का कार्य केवल और केवल अपान वायु का है। नाक से, कान से, आंखों से, नाखूनों के जो मल बाहर निकलते हैं, ये सारे के सारे अपान वायु का ही कार्य है। साथ साथ हमारे शरीर के स्किन, वहां से जो कई प्रकार की गंदगी, मल या उसके साथ साथ पसीना जो बाहर निकलता है, ये सारे कार्य करने वाला जो महत्वपूर्ण कार्य करता है ये अपान वायु है। तो अपान वायु नाभि से नीचे पर्टिकुलर उसका स्थान माना गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक घनी भूत रूप में क्रियाशील और अपने कार्य को संपादित करता है, इसलिए इसका स्थान नाभि से नीचे माना गया है। अब नाभि इसके कार्य जो है क्या, इसके कार्य जो बताया गया है, यह मल मूत्र और आर्तव वीर्य, अर्थात ये हमारे शरीर के चाहे यूरिन के रूप में हो या मल के रूप में हो या साथ साथ में आर्तव रज या वीर्य के रूप में हो, या गर्भ से जो शिशु को उचित समय पर जो बाहर निकालने का जो कार्य करता है, ये अपान वायु का ही कार्य है। अपान वायु हमारे शरीर से महत्वपूर्ण, शरीर से जो हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, उन सारे तत्वों को बाहर निकालने का कार्य अपान वायु के द्वारा संपन्न होता है। अपान वायु के असंतुलन से होने वाले रोग या उसके सिम्टम क्या क्या है, साथियों इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। अगर अपान वायु असंतुलित हो जाता है तो कब्ज होता है, क्योंकि कब्ज इसलिए होता है क्योंकि अपान का कार्य होता है मल को बाहर निकालना। मल बाहर जब नहीं निकलता तो पेट में, बड़ी आंत में रखे रह जाते हैं, जिसे हम लोग कब्ज के नाम से जानते हैं। दस्त, असंतुलित मतलब जब अपान वायु विकृत हो जाए तो मल को ज्यादा ही बाहर निकालने लग जाता है, तो इसमें एनर्जी अप एंड डाउन भी होता है, घटता और बढ़ता भी है। तो हमें समझने की आवश्यकता यह है कि एनर्जी कब घटती है कब बढ़ती है। इससे पूर्व के वीडियोस में मैं आपको इसमें विस्तृत चर्चा किया है कि एनर्जी है क्या और एनर्जी को घटने और बढ़ने का सिम्टम क्या होता है। तो साथियों आप हमारे उस वीडियो का जरूर अवलोकन करें। तीसरा नंबर है मासिक धर्म संबंधी रोग। जो मेंसेस जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाहे तो जल्दी आ रहा हो या लेट में आ रहा हो या बार बार या कई बार या बहुत समय तक
या मेनोपोजल जो सिंड्रोम सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे इसी अपान वायु के द्वारा संपन्न होता है। प्रजनन संबंधी रोग या यूं कह सके जेनेटिकल जो प्रॉब्लम्स आती है महिलाओं का या पुरुषों का, उसका भी संबंध इस अपान वायु से होता है। कमर दर्द, बेकिक, कमर में जो दर्द होता है, कमर दर्द के विकारक ये हमारे अपान वायु है। वात विकार, जोड़ों से संबंधित विकार जो होते हैं, विशेष तौर से ये अपान वायु के असंतुलन से ही उत्पन्न होता है। तो साथियों, आपने इसके लक्षण को देख लिया। अब इस लक्षण के बाद अपान वायु जो मुद्रा है, उस मुद्रा की विधि है क्या? विधि के लिए सर्वप्रथम तो ये है कि आपको कमर गर्दन एक सिर में करके बैठना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम्। कमर गर्दन एक सिर में करके बैठना चाहिए। यदि अच्छा उचित हो आपको ध्यान के आसन में बैठे, अगर कुर्सी में बैठे तो भी काम चल सकता है, क्योंकि हस्त मुद्रा है और हस्त मुद्राओं का प्रयोग बैठकर भी, लेटकर भी या चलते हुए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इसका जो लाभ मिलेगा वो बैठकर के ध्यान की अवस्था में, और जो मध्यमा उंगली है, सबसे पहले आपकी जो मध्यमा मतलब बीच की उंगली आप देख पा रहे हैं, और उसके बगल वाली उंगली जिसे कहते हैं अनामिका उंगली, इन दोनों के साथ हम क्या करते हैं, अपने अंगुष्ठ को मिलाते हैं, और अंगुष्ठ को मिला करके अपान वायु इस मुद्रा का, अपान मुद्रा का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा ये अपान मुद्रा निर्माण करते हैं, इसको लगा करके आप लंबे समय तक रख सकते हैं। वैसे हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा किया है कि इसको 45 मिनट, 45 मिनट कम से कम इसका समय अवधि होते हैं, 45 मिनट तक कम से कम आप लगा करके रखें। यदि आपके पास 45 मिनट का समय नहीं है तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर और 15 मिनट शाम के समय खाली पेट आप इसका अभ्यास जरूर करें। तो निश्चित तौर आपको जितने भी रोग हम ऊपर में इसे पूर्व की स्लाइड में चर्चा किए थे, वे सारे सारे सभी रोगों में आपको लाभ मिलेगा। इसके लाभ क्या है, इसकी पर्टिकुलर लाभ आप देख लीजिए, शरीर की विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है। विजातीय मतलब जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। नंबर दूसरा, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो क्रॉनिक हो या फिर वो एक्यूट डिजीज हो। बवासीर जिसे पाइल्स कहते हैं, ये बवासीर के रोग में, मधुमेह, गुर्दे के रोगों को, गुर्दे मतलब किडनी, किडनी के जो विकार होते हैं, मूत्र संबंधी विकार होते हैं, मूत्र संबंधी विकारों में भी ये महत्वपूर्ण और उपयोगी है। शरीर में पसीने की क्रिया को संतुलित करता है। पसीना या ज्यादा आ रही हो, कम आ रहा है, जो भी कुछ भी हो सकता है, उसकी अनियमितता है, उस अनियमितता को क्या करता है, ये संतुलित करता है। निम्न रक्तचाप, नाभि हटना, देखिए निम्न रक्तचाप जो लो बीपी की प्रॉब्लम से, इस लो बीपी की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, और नाभि हटता है बार बार, और नाभि हटने की जो प्रॉब्लम है ये भी, क्योंकि अपान वायु जिसे गैस के रूप में बाहर निकलता है या पेट में रह जाता है, तो हमारे नाभि को इधर से उधर हटाने में गर्भाशय का दोष जो होता है, गर्भाशय में चाहे वो किसी प्रकार का गांठे बनना हो या किसी प्रकार के पश वगैरह का निर्माण हो, कुछ भी कह सकते हैं, ये सारे के सारे जो दोष होता है वो अपान वायु की वजह से होता है, और इस मुद्रा का जब अभ्यास करते हैं तो उसको नियमित और संतुलित करता है। यदि इसके साथ प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से कहा गया है कि मुख, नाक, आंख, कान के विकार भी दूर होता है, क्योंकि शरीर का जब पोषण, शरीर के जो दूषित वायु बाहर निकल जाए और प्राण वायु को अंदर ले लें, तो निश्चित तौर से हमारे ऊपर के जितने भी हमारे ज्ञानेंद्रिय है, उस ज्ञानेंद्रियों का क्या है, उसमें शक्ति, उसमें ऊर्जा, उसमें प्रकाश, या यूं कह सकते हैं उसमें तेजस्विता का विकास होता है। तो साथियों, अपान वायु विशेष तौर से हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स मैटर को, विजातीय द्रव्य को बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के साथ साथ शरीर में क्या करता है, फिर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को, हमारे बॉडी के अंदर की रोग प्रतिरोध क्षमता को, हमारे अंदर की जो ऐसे प्राण वायु है जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ एसेंस, जीवन शक्ति, उस जीवन शक्ति का विकास करता है, क्योंकि जीवन शक्ति किडनी में होता है। और यहाँ पहले चर्चा कर चुका हूँ कि जो आपका वृक्ष से संबंधित प्रॉब्लम्स है, गुर्दे से संबंधित प्रॉब्लम है, गुर्दे के विकारों को भी अपान वायु मुद्रा ठीक करता है। तो साथियों, अपान मुद्रा के बारे में हमने पूरी पूरी चर्चा की है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इस मुद्रा का अभ्यास नियमित करें। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः फिर से ज्ञान वायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को यदि पुनः न समझ आए तो पुनः बार बार इसको देखिए, समझिए, और इसको अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो यौगिक तकनीक है ये सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
इसका अभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी जीवन जीता है। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।